हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग में। इस वीडियो में हम गणेश चतुर्थी पर बहुत ही शानदार निबंध पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। पहली हेडिंग है हमारी प्रस्तावना। भारत में गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्योहार कार्यालय हो या स्कूल कॉलेज हर जगह मनाया जाता है। इस दिन सभी कार्यालयों और शिक्षा संस्थानों को बंद करके भगवान गणेशा की पूजा की जाती है। लोग इस पर्व का उत्साह पूर्वक इंतजार करते हैं। यह देश के विभिन्न राज्यों में मनाया जाता है, हालांकि महाराष्ट्र में यह खास तौर से मनाया जाता है। गणेश चतुर्थी हिंदुओं का बहुत ही महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे भक्तों द्वारा हर वर्ष बड़े ही तैयारी और उत्साह से मनाते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी हर साल भगवान गणेश के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। गणेश उत्सव भगवान गणेश को विघ्नहर्ता के नाम से भी बुलाया जाता है, अर्थात भक्तों की सभी बाधाओं को मिटाने वाला। अगली हेडिंग है हमारी मूर्ति की स्थापना। गणेश चतुर्थी एक 11 दिनों का लंबा हिंदू उत्सव है, जो चतुर्थी के दिन घर या मंदिर में मूर्ति स्थापना से शुरू होता है तथा गणेश विसर्जन के साथ अनंत चतुर्दशी पर खत्म होता है। Thank you.
भक्त भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं, खास तौर से मोदक चढ़ाते हैं, भक्ति गीत गाते हैं, मंत्रोच्चारण करते हैं, आरती करने के साथ ही उनसे बुद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इसे समुदाय या मंदिर या पंडालों में लोगों के समूह द्वारा परिवार या अकेले मनाया जाता है। आखिरी हेडिंग है हमारी निष्कर्ष। गणेश चतुर्थी के दौरान सुबह और शाम गणेश जी की आरती की जाती है और लड्डू और मोदक का प्रसाद चढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा यह उत्सव महाराष्ट्र में मनाया जाता है और वहाँ की गणेश चतुर्थी देखने दूर दूर से लोग आते हैं।